हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अपन उस चैप्टर में अपन ने जो लेक्चर्स पढ़ लिए थे तीन, उससे आगे मेरी हेडिंग थी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग थी वो क्या था? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि किस काम को मैं कैसे नापने वाला हूँ, ठीक है ना। आपका मान लो कोई ब्रिक वर्क है, अर्थ वर्क है, मैं कैसे उसे मेजर्ड करने वाला हूँ, उस काम की जो यूनिट है वो किस में अपन मेजर्ड करने वाले। तो ये चीज़ मैं यहाँ मैंने बोर्ड पे लिख दिया, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होता तो मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया ताकि आपको फटाफट जो है आपकी चीज़ें हो जाएँ। तो बुक आपके पास होगी, देखो बुक आप रख लीजिएगा, मैं वन बाई वन करके आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वालों। मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब समझ गए ना, कि किसी काम को मैं किस में नापने वाला हूँ, रनिंग मीटर में नापने वाला हूँ या मीटर स्क्वायर में नापने वाला हूँ, मीटर क्यूब में ना, किस चीज में अपन उसको मेजरमेंट करेंगे वो यहाँ अपन बात करने वाले। तो पहले मैंने सारे अर्थवर्क आइटम्स ले लिए कि मिट्टी खुदाई कार्य। तो देखो मिट्टी खुदाई के चार मैंने इसको भागों में कर लिया। पहला कहता है अर्थवर्क इन सॉफ्ट कॉमा हार्ड कॉमा ऑर्डिनरी सॉइल एंड रॉक। यहाँ ले लेंगे एंड क्या है, रॉक मतलब चट्टान में भी अगर मैं देखना चाहूँ। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी मिट्टी, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे वो हार्ड हो, या मैं बात करूँ रॉक एक्सक्यूवेशन की, मतलब चट्टान अपन खोद रहे हैं भाई, ठीक है ना। बिल्कुल लगभग उसी क्रम में मैंने लिखवाया है जिस क्रम में आपके बुक में दे रखे हैं। तो आप अपनी बुक अपने हाथ में रखेंगे और आप इसको उससे क्या करते जाएंगे, अपने वहाँ से चेक करते जाएंगे। तो पहला मेरा हो गया अर्थवर्क इन सॉफ्ट कॉमा हार्ड और ऑर्डिनरी सॉइल और रॉक। ये कह रहा कहने का मतलब कि मिट्टी खुदाई काम कर रहा हूँ, आपकी कैसी भी मिट्टी हो सकती है, वो सॉफ्ट हो सकती है, हार्ड हो सकती है। तो इसका जो मेजरमेंट है ये कहता है मीटर क्यूब में करेंगे। किस में मेजर करने वाले, मीटर क्यूब में मेजर करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब तीनों डायमेंशन लेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अपन को तो केवल ये कहेगा भाई मीटर क्यूब में करोगे या मीटर स्क्वायर में करोगे या रनिंग मीटर में करोगे। तो वो आपसे कहता है कि इसका जो मेजरमेंट है वो अपन मीटर क्यूब में यहाँ पर लेकर चलते। तो पहला मेरा हो गया कि अर्थवर्क इन जो है आपका। सेकेंड कहता है अर्थ फिलिंग इन फाउंडेशन एंड प्लिन। मतलब मिट्टी भराई काम कर रहा हूँ मैं, मिट्टी भर रहे हैं अपन। कोई क्या हो सकती है, फाउंडेशन हो सकती है, मतलब आपका आपने फाउंडेशन खोद ली थी, या प्लिंथ। प्लिंथ के मतलब प्लिंथ क्या होती है आपको पता है, जब आपने नींव को ऊपर ले आते हो तो बीच में मिट्टी भर। तो ये कह रहा है कि फाउंडेशन के साइडों में भरनी हो, या आपने देखा होगा जैसे मकान बनाते तो मकान प्लिंथ तक ले आए, जब ऊपर तक ले आते तो बीच में जो है गड्ढे रह जाते। तो प्लिंथ के अंदर भरनी है या फाउंडेशन के अंदर अगर मुझे मिट्टी भरनी है तो इसका जो मेजरमेंट है ये भी मैं किस में करता हूँ, मीटर क्यूब में ही करता हूँ। तो अपन देखा कि चाहे अर्थ खुदाई कर लूँ चाहे अर्थ भराई कर लूँ, मेरे से उसने कहा है कि मीटर क्यूब में आप करने वाले। आगे और तीसरा कंटेंट जो पढ़ता है, देखो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। अर्थवर्क EW का मतलब मैंने बोल ही दिया, अर्थवर्क इन बोरोपिट। बोरोपिट होता है, बोरोपिट होता है गड्ढा। बोरोपिट क्या होता है भाई, आपका गड्ढा है ना। ये कह रहा है कि अर्थवर्क इन बोरोपिट गड्ढा है, डेप्थ शुड नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इस गड्ढे की जो बोरोपिट है वो डेप्थ जो है उसकी वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है और विड्थ एक्सीड 1.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन वो कहता है कि इसकी जो विड्थ है मतलब जो डेप्थ है वो तो 30 सेंटीमीटर ज्यादा, लेकिन वो विड्थ की कहता है कि एंड विड्थ एक्सीड 1.5 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है भैया विड्थ जो है वो कितने ज्यादा बढ़ गई है, 1.5 मीटर स्क्वायर से, बट एरिया शुड नॉट एक्सीड टू 10 मीटर स्क्वायर। लेकिन वो कहता है कि एरिया 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं है। मतलब एक तरह से कोई गड्ढा है जिसकी डेप्थ तो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, वो कहता है विड्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा बढ़ गई हो और टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं हो। तो ये कहता है कि ऐसा कोई गड्ढा जिसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुदाई नहीं कर रहे हो, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर से ज़्यादा हो, इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई 10 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं हो, तो ये कहता है ऐसे गड्ढे के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहता है कि मीटर स्क्वायर में आप मेजरमेंट
करने वाले हो। तो किस में मेजर डिवाइड करते हैं अपन, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग, मतलब ये कहता है कि कहीं पर सरफेस की ड्रेसिंग कर रहा हूँ, मतलब हल्का मोटा ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा नहीं पहाड़ों को हटा हटा के आप ड्रेसिंग कर रहे हो, मतलब अनइवननेस है आपका धरती पे, थोड़ी बहुत अनइवननेस है। तो ये कह रहा है सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग, मतलब सरफेस की ड्रेसिंग कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर क्या कर रहा हूँ, लेवल कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है इसका जो मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में आपका होता है। किसमें होता है आपका, मीटर स्क्वायर में। इसमें एक छोटा सा पांचवा नाम मैं और यहां लिख दूं थोड़ा सा, एक तरह से ये पांच नंबर, ये कहता अर्थवर्क इंट्रेंच, टी आर ई एन सी एच, ट्रेंच क्या होती है, खाई, अर्थवर्क इंट्रेंच। ये कहता है अर्थवर्क जो है किसमें, ट्रेंच है आपका रनिंग मीटर, मतलब ट्रेंच क्या होती है, खाई खोद रहे। ट्रेंच किसके लिए खोल सकते हैं, कोई पाइपलाइन दबानी है मेरे को, कोई केबल दबानी है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ट्रेंच खोद रहे हैं, ट्रेंच समझ गए ना, ट्रेंच मैंने बताई दिया, ट्रेंच मतलब क्या है, नाली, ट्रेंच मतलब क्या है, आप नाली खोद रहे, नाली खुदाई कार्य कर रहे हैं आप, नाली खोद रहे, नाली किसी पाइपलाइन को दबाने के लिए हो सकती है, किसी भी उसके लिए। तो ये कह रहा है अर्थवर्क इन ट्रेंच, ट्रेंच का अगर मैं अर्थवर्क कर रहा हूँ तो ये कह रहा है रनिंग मीटर में अपन मेजरमेंट करते हैं। तो अपन ने अर्थवर्क के सारे आइटम देख लिए, कुछ को मीटर क्यूब में नापता हूँ, कुछ को मीटर स्क्वायर में नापता हूँ, और कुछ को रनिंग मीटर में भी मैं नापता हूँ। नेक्स्ट आगे कहा इसने मिसलेनियस आइटम्स, मतलब एक तरह से और छोटे मोटे आइटम जो अर्थ के साथ है, मैंने यही ले लिया, लास्ट में भी ले सकते थे, यही ले दिए मैंने, मतलब एक तरह से, क्योंकि जैसे ब्रिक के तो अपने आप में विश्लेषण, और छोटे मोटे आइटम जो अलग अलग तरह। पहला कहता है ये जी आई एंड ए सी सीट, जी आई तो आपको पता ही होना चाहिए, जी आई क्या होता है, गैल्विनाइज्ड आयरन, जी आई गैल्विनाइज्ड आयरन, ए सी एस्बेस्ट सीमेंट सीट, मतलब एक तरह से जो रूफिंग मटेरियल के लिए आती है ना आजकल, आपको एक तो सीमेंट की सी दिखती है वो तो एसी सीट्स कहलाती है, एस्बेस्ट सीमेंट सीट, जीआई जो लोहे वाली होती है, गैल्विनाइज्ड आयरन सीट। तो जीआई सीट हो एसी सीट हो किस में मेजरमेंट करते हैं, वो कहता है मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं भाई, किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर वर्क, वो कह रहा है फ्लोरिंग है वो चाहे कैसी भी हो, चाहे सीमेंट कंक्रीट की हो, चाहे मार्बल की हो, चाहे चिप्स की हो, चाहे टाइल की हो, चाहे ग्रेनाइट की हो, कैसी भी फ्लोरिंग आपने करी है, तो फ्लोरिंग में तो सीधा सीधा लंबाई इंटू चौड़ाई लेते हैं, आपको पता ही है किस में मेजर होता है आपका, मीटर स्क्वायर में। ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग वर्क किस मेजर होता है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेंटरिंग और शटरिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा ना, जब आप जो है जब आप कंक्रीटिंग करते हो तो पहले क्या करते हैं अपन, शटरिंग लगा देते हैं लकड़ी वाली और फिर उसको लेवल करते हैं। तो सेंटरिंग और शटरिंग जो वर्क है वो किस में होता है, मीटर स्क्वायर में ही होता है, तो मीटर स्क्वायर में देख लिया। नेक्स्ट पेंटिंग, वो कह रहा पेंट हो रहा हो, पॉइंटिंग, दोनों अलग चीज़ अलग चीज़ें देखो, पेंटिंग तो रंग वाला हो गया, रंग वाली पेंटिंग, पॉइंटिंग क्या होती है, जैसे पत्थर वाली चिनाई होती है ना, जिसपे केवल मैं उसके जॉइंट जॉइंटों को कवर करता हूँ, जो लहर सी दिखती है पत्थर की, एक तो प्लास्टर होता है, पूरी दीवार को प्लास्टर कर दो, आप खूब जानते हो। पॉइंटिंग क्या होता है, केवल जॉइंट को कवर करते हैं, जॉइंट को क्यों कवर करते हैं, ताकि सीलन अंदर तक ना जाए, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करे, तो वो कहलाती है पॉइंटिंग। पेंटिंग, पॉइंटिंग, वाइट वाशिंग, कलरिंग, वार्निश, डिस्टम्बर, मतलब ऐसा काम एक तरह से जो उस बिल्डिंग को सजावट के लिए किया जा रहा है, ये सारे काम जो है किसी सरफेस पर जो किए जाते हैं, किस में मेजरमेंट होते हैं आपके भाई, किस में मेजरमेंट होते हैं, मीटर स्क्वायर में आपके मेजरमेंट होते हैं। किस में मेजरमेंट होता है आपका, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट होता है। सारे कार्य जो आपके किसी सरफेस पर अप्लाई किए जाते हैं, मीटर स्क्वायर मेजरमेंट आपके होते हैं। नेक्स्ट इसने कहा जंगल क्लियरेंस, ये कह रहा है जंगल के लिए अरेंज करता हूँ। जंगल के लिए अरेंज क्या होता है, जंगल की साफ सफाई, जैसे देखा होगा ना रोडों के साइड में बड़े बड़े झाड़ जो है उग जाते हैं, झुंडे होते हैं, मेरे को पता नहीं आप लोगों को क्या कहते हैं, जो झुंडे उग जाते हैं, तो वहाँ झाड़ियाँ हो गई, झुंडे हो गए, मतलब एक तरह से साइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी क्लियरेंस करते हैं, मतलब साफ सफाई को अगर एक तरह से, तो जो जंगल के लिए अरेंज है आपका, जो भी ग्रास वगैरह खड़ी है उसको अगर साफ कर रहे हैं,
किस में मेजरमेंट होगा, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट आपका होता है। नेक्स्ट कहता है ग्लेजिंग वर्क। ग्लेजिंग क्या होती है, देखो जैसे आप जब शीशा वीशा लगाते हैं ना विंडो में, तो पुट्टी से उसको रोकते हैं, उसके ऊपर पुट्टी चिपकाते हैं एक तरह से। ग्लेजिंग वर्क एड सप्लाई ऑफ ग्लास पेंट्स, मतलब जैसे आपने शीशा लगा दिया, शीशा रुकेगा कैसे विंडो में, तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा पुट्टी से लगा देते ताकि वो सेट हो जाए। तो ये कह रहा ग्लेजिंग वर्क या सप्लाई ऑफ ग्लास पेंट्स। ग्लास पेंट क्या होता है, ग्लास और पेंट्स मतलब उसके टुकड़े, एक तरह से ग्लास के पार्ट। ये कह रहा है कि ग्लेजिंग वर्क कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखना दोनों में फर्क है भाई आपका, इसलिए जब भी आपके आते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप। देख रहा ग्लेजिंग वर्क की बात करूँ मैं या सप्लाई ऑफ ग्लास पेंट। सप्लाई का मतलब मार्केट से खरीद के ला रहा हूँ मैं, तो एक रहा है मार्केट से मैं ग्लास खरीद रहा हूँ, या मैं ग्लेजिंग की बात करता हूँ। तो ये कहता है मीटर स्क्वायर, किस में होता है भाई आपका मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पेंट, मतलब जो विंडो के जो है आपके ग्लास है उनकी साफ सफाई कर रहा हूँ मैं। जैसे मेरे को क्लियर से वो करने, मान लो टूट गए, ब्रेक हो गए, अब नए शीशे लगाड़े, तो मैं उनको तोड़ रहा हूँ, एक तरह से क्लीनिंग कर रहा हूँ उनके, ना हटा के नए लगाड़े। क्लीनिंग एंड फिक्सिंग, एक तरह से जो टूटे हुए आपने देखा ना विंडो के खूब, तो टूटे हुए उनको साफ करना मतलब हटाना, और फिक्स करना वापिस नए फिक्स करना। तो इनका जो मेजरमेंट है वो होता है नंबर्स में, कि भाई कितने ग्लास पेन को हटाकर आपने नया लगाया। तो जो है क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पेंट किस में होते हैं, नंबर्स में। तो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से देखो, समझने की जरूरत है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। अगर मेरे से ग्लेजिंग वर्क की बात करता है या सप्लाई ऑफ ग्लास पेन की बात करता है, मतलब मार्केट से मैं ग्लास खरीद के ला रहा हूँ, या मैं जब मैंने उसको फिक्स अगर कर दिया तो उसके ऊपर ग्लेजिंग कर रहा हूँ, तो वो तो होता है मीटर स्क्वायर में। और जो शीशे लगे हुए थे, मान लो कोई आपके विंडो वगैरह में टूट जाते हैं, देखा होगा ना लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बच्चे फिल्मों में खूब देखा होगा, जो है कर्नल की उसमें मार देते हैं खिड़की में, शीशा टूट गया, अब नया लगवाना है ना। तो क्लीनिंग मतलब उनको हटाना, और फिक्सिंग मतलब नया लगाना। तो एक तरह से टूटे हुए को हटाना और नए लगाना, ये जो वर्क है किस में करते हैं, नंबर्स में करते हैं। और सप्लाई या मतलब आपका गिलास खरीदना, या मैं जो है ग्लेजिंग वर्क ये करता हूँ मीटर स्क्वायर में। तो दोनों को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। फिर भी अगर आप गलत कर आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें और इसमें दोनों को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करता है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है पॉइंट में, बहुत पूछा जाता है आपसे, खूब ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल वर्क किस में होता है, तो किस में होता है पॉइंट में होता है। अब आधों घुसों को यही नहीं समझ आता होगा पॉइंट का मतलब क्या होता है। देखो एक कमरा है, ये एक कमरा है मान लो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं लाइट वाले से कहता भाई इसमें कुछ नहीं लगना, भैया एक लट्टू लगा दे तू, बस एक लट्टू लगा दे और मेरे को लाइट का कनेक्शन दे दे, या एक लट्टू और एक पंखा लगा दे, एक बल्ब और एक पंखा लगा दे। एक मैं उससे कहता कि नहीं यार इसमें ना एक ट्यूबलाइट का पॉइंट देना मेरे को, एक बल्ब का पॉइंट देना भाई, दो पंखे लगाने मुझे, मुझे भाई जो है प्रेस चलाने के लिए भी नीचे पॉइंट चाहिए भाई, मुझे जो है चार्जिंग के लिए भी पॉइंट चाहिए भाई, मुझे इसमें मेरे को यार क्या लाइटिंग करनी है तो लाइटिंग्स के लिए अलग अलग पॉइंट। अब आपने देखा कि रूम वही, लेकिन मैं एक में तो कह रहा हूँ कि यार सिंपल एक बल्ब और एक पंखा लगा दो, एक में मैंने उसको 10 काम बता दिए, तो क्या दोनों को सेम कर देगा, नहीं। वो कहेगा कितने पॉइंट का काम है भाई इसमें, मतलब आप कितने पॉइंट लगवाना चाह रहे हो, तो जितने ज़्यादा पॉइंट लगवाओगे उतना ही वो आपसे ज़्यादा पैसा वसूल करेगा ये। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वर्क जो है, इलेक्ट्रिक वर्क किस में नापा जाता है, पॉइंट में नापा जाता है। ये बिल्कुल, ये भी आप देख ले, खूब आपसे पूछता रहता है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, तो इलेक्ट्रिक वर्क जो मेजरमेंट है वो किस में था, पॉइंट में आपका होता है। नेक्स्ट ये बात करता है कॉर्निस वर्क। कॉर्निस क्या होती है, देखो कॉर्निस आपको बीटी में भी पढ़ाते हैं, छज्जों के नीछे देखा होगा डिजाइन से जो बन रहे होते, छज्जे के बॉटम में नहीं, छज्जे के आगे की तरफ देखा होगा आपको, ऐसे दिखते हैं छज्जों में, जैसे आजकल खूब छज्जे देखे होंगे आपने, ऐसे जैसे छज्जे आपको ऐसे खूब इस तरह के छज्जे आपके देखे होंगे आगे, ऐसे डिजाइन से बने रहते हैं छज्जों में, तो ये जो वर्क कहलाता है कॉर्निस वर्क। तो ये कह रहा है कि जो कॉर्निस वर्क है इसका जो मेजरमेंट होता है वो रनिंग मीटर में होता है। कॉर्निस वर्क का किस मेजरमेंट किस में होता है, रनिंग मीटर में मेरा मेजरमेंट होता है। और नेक्स्ट बात करता है सॉलिंग। सॉलिंग क्या होती है, जैसे आपने मिट्टी भर दी,
अब आपको टाइल लगानी है या आरसीसी करनी है या पीसीसी करनी है, कुछ भी, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स को मैं उसमें भरूंगा, फिर उनको जो है अच्छे से कॉम्पैक्ट करूंगा। तो जो मैंने मोटे मोटे पत्थरों की जो लेयर्स उसके अंदर डाली है, एक तरह से कोई भी एक तरह से बेस कोर्स के रूप में जो लेयर्स लगाई है वो कहलाती है सॉलिंग। तो सॉलिंग क्या होती है, आपके मीटर क्यूब में मेजरमेंट होता है। सॉलिंग का मेजरमेंट कितने में होता है भाई, मीटर क्यूब होता है। देखो जब भी आपसे एस्टिमेट में 3-4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपसे यूनिट में से पूछा जाता है। इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एस्टिमेट तो आपको लाइफ टाइम काम आना ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो मैंने मिसलेनियस देख लिए। नेक्स्ट बात करता है ब्रिकवर्क आइटम्स। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहा है भैया, ब्रिकवर्क आइटम्स। तो देखो ब्रिकवर्क आइटम्स में पहला इसने कहा, ब्रिकवर्क के 9 आइटम्स, 9 प्रकार से मैंने इनको क्लासिफाइड कर दिया। ब्रिकवर्क के जो वर्क काम है उनको 9 तरह से क्लासिफाइड। पहला ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन, वो कह रहा है कि चिनाई कर रहा हूँ मैं, ईंट चिनाई कर रहा हूँ फाउंडेशन में बिल्कुल नीचे, प्लिंथ, प्लिंथ में, और सुपर स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लिंथ से ऊपर चिनाई करना। इफ़ वॉल थिकनेस 9 इंची और मोर, ये कह रहा है कि दीवार की मोटाई यदि 9 इंची या उससे ज़्यादा है तो मैं चिनाई कहीं भी कर लूँ, मेरे को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दीवार की मोटाई कितनी, 9 इंची और मोर, मतलब कम से कम 9 इंची या उससे ज़्यादा है, 9 इंची या उससे ज़्यादा है तो हर हाल में जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में आपका हो रहा है। किस में मेजरमेंट हो रहा है आपका, मीटर क्यूब में आपका मेजरमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल ब्रिकवर्क चाहे फाउंडेशन में कर लो, चाहे प्लिंथ में कर लो, चाहे सुपर स्ट्रक्चर में कर लो, यदि दीवार की मोटाई 9 इंची से ज़्यादा है तो जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में आपका हो रहा है। नेक्स्ट बात करता है ब्रिकवर्क इन आर्च। आर्च देखे होंगे पहले, आजकल तो लिंटल्स देखते हो आप, जो ओपनिंग होती है आजकल तो हॉरिजॉन्टल मेंबर लिंटल लगा देता है। पहले देखा होगा डिजाइन से आपके, जैसे जो ओपनिंग्स है ना, ओपनिंग, इन ओपनिंग्स पर डिजाइन देखोगे ऐसे आर्च वगैरह है ना, डिजाइन आपके जहाँ भी, तो आर्च तो खूब जानते हो। आर्च वगैरह में अगर मैंने कोई ब्रिकवर्क किया है तो ये कहता है मीटर क्यूब में होगा। आर्च में अगर मैं ब्रिकवर्क किया है तो किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। नेक्स्ट रीइन्फोर्समेंट ब्रिकवर्क, आर बी वर्क, मतलब ऐसा ब्रिकवर्क जिसमें जैसे अपन ने 3-4 लेयर ब्रिक की लगा दी, फिर सरिये लगा दिए, फिर ब्रिक लगा दी, फिर सरिये लगा, तो आर बी वर्क अगर मैं कर रहा हूँ, रीइन्फोर्समेंट ब्रिकवर्क कर रहा हूँ, तो हर हाल में जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में ही आपका होना है। तो अपन देखा आर बी वर्क भी मीटर क्यूब में होगा। नेक्स्ट ब्रिकवर्क इन फायर प्लेसेज, चिमनी और चूल्हा, जैसे ये ईंट वगैरह के भट्टे होते हैं ना जिनमें चिमनी वगैरह है, मतलब चिमनी चूल्हा है, घर का चूल्हा नहीं रोटी वाला क्या, मतलब बड़े बड़े चूल्हे जिनसे बॉयलर वगैरह में आँच लगा जो है जलानी, एक तरह से हाई टेम्परेचर जहाँ वो करवाना है, तो ऐसी जगह जब मैं चिमनी या उनमें मैंने ब्रिकिंग किया होगा तो दीवार तो डेफिनेटली 9 इंची से बड़ी रखी होगी। अगर आप 4 इंची की दीवार पे चाहो कि हाई टेम्परेचर करके मैं वो करवा लूँ तो वो तो भैया बीटे पिघल। तो ये कह रहा है कि अगर मेरे चिमनी चूल्हा फायर प्लेसेज पे मैं कहीं ब्रिकवर्क कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो दीवारें 9 इंची से मोटी होंगी, डेफिनेटली उनका मेजरमेंट किस में होगा, किसमें होगा, मीटर क्यूब में आपका होना है। नेक्स्ट बात करता है ब्रिकवर्क इन पार्टीशियन वॉल। पार्टीशियन वॉल क्या होती है, ऐसी वॉल जो लोड नहीं लेती, जो किसी एरिया को पार्टों में जो है डिवाइड करती है। पार्टीशियन वॉल बोलो, हाफ ब्रिक वॉल बोलो, आधा इंची की वॉल जिसको 4.5 इंची वॉल बोलते हैं, मतलब एक तरह से 9 इंची की वॉल तो 1 ब्रिक वॉल हो जाती है, उसका आधा क्या कहलाती है, 4.5 इंची की वॉल। आपने खूब देखा होगा ना ईंट को आप ऐसे लगाते हैं, लंबाई कैसे लगाते हैं, 4.5 ऐसे लगाते हैं तो 9 इंची की। तो ये कह रहा है कि जो पार्टीशियन वॉल है, 4.5 इंची वॉल है, हाफ ब्रिक वॉल है, इसका जो मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में आपका होता है। नेक्स्ट ब्रिक वर्क इन स्ट्रिंग कोर्स। स्ट्रिंग क्या होते हैं आजकल तो जनरली, जैसे क्या है कि जैसे आपका बिल्कुल छत के आसपास या किसी लेवल पर एक पट्टी लगा देते थे आगे की तरफ, पट्टी देखा होगा पूरी लेंथ में पट्टी आगे की तरफ निकाल देते थे आपका, ताकि बारिश का पानी पड़े और उससे दूर हो जाए आपका, बिल्डिंग के पूरे दीवार को प्रभावित ना करे। तो जो ये स्ट्रिंग कोर्स वगैरह होते इनका जो मेजरमेंट है आपका, लगभग इसको छज्जे भी बोल सकते हैं अपन, जो है छज्जा से छोटा होता है, चौड़ाई कम होती है, तो स्ट्रिंग कोर्स जो होते ये रनिंग मीटर में आपके मेजर्ड किए जाते हैं। स्ट्रिंग कोर्स का मेजरमेंट किस में होता है भाई, रनिंग मीटर में आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिकवर्क इन कॉर्निस और कॉपिंग। अगेन वही, वो कह रहा है कि कहीं कॉर्निस बना रहा हूँ
ब्रिक से या कॉपिंग कर रहा हूँ। कॉपिंग आजकल क्या होता है, टॉप पे ढकने के लिए आजकल ईंटें ऐसे आगे लगी। पहले तो कॉपिंग के लिए क्या करना पड़ता था मेरे को, आरसीसी वगैरह की जो सीसी सीमेंट कंक्रीट लगा देता था ऊपर, लेकिन आजकल ब्रिकें आने लग गई ऐसे, ऊपर से टेपर आने लग गई, ऊपर से जो ब्रिक है वो टेपर आने लग गई, क्योंकि अपन कॉपी तो पानी यहाँ पड़ के ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है ना आपका। क्योंकि पहले क्यों आप समझ रहे हो ना कि भाई मैं अगर मेरी दीवार ऐसे होती तो पानी यहाँ पड़ता, इसमें जो है अंदर जाता रहता वो, और दीवार के जो है उसको मटेरियल को ख़राब कर देता। तो ऊपर से क्या करते हैं, राउंड करते हैं। तो टॉप पर आजकल ब्रिक ऐसी आने लगी, टॉप पर लगा दे। तो कॉपिंग या कॉर्निस वर्क अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा किस में होना है, रनिंग मीटर में होना है। नेक्स्ट ब्रिक यूज इन एज, एजिंग मतलब रोड के साइड में खड़ी ईंट लगा देते हैं ना, जिस गार्डनों में आपने देखी हो ब्रिक एजिंग कर रहे हैं आप, रोड के साइड में ईंट लगा दी मैंने। या स्कर्टिंग, मतलब स्कर्टिंग क्या होती है, जैसे आपका देखा होगा जिस टाइल की, जिस खड़ी टाइल लगाते, तो कहीं स्कर्टिंग टाइप में आप ईंट को लगा रहे हो तो इसका जो मेजरमेंट है वो रनिंग मीटर में होगा। तो अपन ने अभी देखिए ब्रिक के 9 आइटम्स पढ़ लिए आपके, 9 इंच या उससे ज़्यादा है मीटर क्यूब, आर्च में मीटर क्यूब, आरबी वर्क मीटर क्यूब, चूना चिमनी मीटर क्यूब, आपका पार्टीशन वॉल मीटर स्क्वायर, हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, ये रह गया था हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क। हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कभी ईंटें इस फॉर्म में लगाते हैं, आपने ऐसे देखी होंगी ईंटें, जैसे मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। हनीकॉम्ब बेसिकली होता क्या है, देखो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क होता क्या है, जैसे ये क्या है कि ये एक तरह से देखो ये होल है आपका, ये थोड़ा सा आपको ईंट ऐसे लगा देते, ये ईंट लगा दी, ये ईंट लगा दी, ये ईंट लगा दी, ये ईंट लगा दी, अगली ईंट इनके ऊपर लगेगी ऐसे आपका। तो अपन देखें यहाँ भी होल दिख रहे हैं और यहाँ भी दिख रहे हैं, ज़्यादातर आपने देखा हो ना जैसे लोग टेम्परेरी बना कर रखते, वैसे भी आपको देखो हनीकॉम्ब का आप डायग्राम बना के देख लो, आप हनीकॉम्ब का इमेज एक देख लो आप नेट पे सर्च करो हनीकॉम्ब, जैसे आजकल जो गार्ड जो आप मकान बनाते उसके बाहर जो आप टेम्परेरी जो सीमेंट वगैरह के लिए छप्पर से बनाते थे ना, जिसमें ईंटों में एक तरह से गैप दिखता है आपका, मतलब जिसमें से हवा बहुत आसानी से पास होती है, बीच बीच में जगह दिख जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इमेज भी इसकी दिखा दूंगा। तो अपन ने देखा कि हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क, आप एक बार साइट पर सर्च कर लो कि हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क की, तो आपको इमेज समझ आ जाएगी तुरंत, आप देखो अरे यार मैं तो खूब देखा हुआ है। तो हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क का जो मेजरमेंट है वो किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में अपन करते थे। इन चार के बारे में अपन ने पढ़ लिया, इससे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कि भाई आपका जो है स्टील वर्क मेजरमेंट कैसे होता है, कॉन्क्रीट वर्क मेजरमेंट किस में होता है, स्टोन वर्क मेजरमेंट आपका किस में होता है, तभी अपन ने चार के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो स्टील वर्क के लिए जैसे इन्होंने देख लिया, मतलब स्टील वर्क के लगभग 13 आइटम है। फिर बोल रहा हूँ देखो मेजरमेंट ऑफ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जब भी आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप अगर एस्टिमेट पढ़ोगे तो पहले फर्स्ट यूनिट के 50 से 60 क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर हैं। इस स्टील वर्क के इन्होंने पहला बोला रोल्ड स्टील जॉइस्ट, जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट होते हैं ना RSJ, जो ऑलरेडी मार्केट में जो है रेडीमेड मिलते हैं, जैसे आपका एंगल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, RSJ बोलते हैं उनको शॉर्ट में, रोल्ड स्टील जॉइस्ट। किस में नापे जाते हैं, क्विंटल में नापे जाते हैं। किस में मेजर किए जाते हैं भाई, क्विंटल में मेजर किए जाते हैं। तो RSJ जो होते हैं रोल्ड स्टील जॉइस्ट, उनका जो मेजरमेंट है वो किस में होता है, क्विंटल में आपका होता है। नेक्स्ट स्टील रीइंफोर्समेंट बार, स्टील रीइंफोर्समेंट बार कौन से होते हैं, जो सरिये, जो आप सरिये यूज करते हो ना, किसके अंदर यूज करते हो आपका, RCC के अंदर। तो जो स्टील रीइंफोर्समेंट बार जो है, माइल्ड स्टील बार जो है, स्टील रीइंफोर्समेंट बार बोलो या कई बार बोल देता है माइल्ड स्टील बार, तो आप समझ जाओगे उनके बारे में बात कर रहा है। क्विंटल में मेजरमेंट होते हैं, किस में मेजरमेंट किया जाता है, क्विंटल में इनका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ता है वो बाइंडिंग वायर, देखो बुक आपके हाथ में होगी, बुक से आप देखते जाइएगा, है ना। नेक्स्ट वो बात करता है बाइंडिंग वायर, देखो बाइंडिंग वायर क्या होता है, जो सरिया
को बांधने के लिए पतला सा एक तार उपयोग में लाया जाता है ना, जो आप जो सरिये सरियों को बांधने के लिए एक बारीक सा तार का यूज करते हैं, वो कहलाता है बाइंडिंग वायर। तो बाइंडिंग वायर जो होता है वो भी क्विंटल में मेजरमेंट किया जाता है। किस में मेजरमेंट किया जाता है? क्विंटल। पतला सा तार होता है सरियों को बांधने के लिए जिसका यूज करते हैं, तो इसका मेजरमेंट भी अपन किस में करते हैं? क्विंटल में ही करते हैं। तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब मोड़ना। बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब बांधना, ठीक है ना। एंड फैब्रिकेशन वर्क, मतलब आपको बेल्डिंग वगैरह करके स्ट्रक्चर को बढ़ाना। एक तरह से फैब्रिकेशन होता है, जैसे स्टील के मेंबरों को जोड़ जोड़ कर स्ट्रक्चर बढ़ाना एक तरह से ना, बेल्डिंग कर करके। तो ये बेंडिंग, बाइंडिंग, ठीक है ना, ये मतलब बेंडिंग मोड़ना, बांधना, या अपन जो है बेल्डिंग कर करके मेंबर्स को जोड़ जोड़ के जो है उनको बढ़ा रहे। तो ये सब काम भी किस में किया जाता है? क्विंटल में ही किया जाता है। नेक्स्ट, गसट प्लेट, होल्ड फास्ट, नट बोल्ट, वाशर, रिविट, ये सब भी किस में मेजर की जाती है? क्विंटल में ही मेजर की जाती है। तो अपन देखा कि ये पांचों। नेक्स्ट, आयरन वर्क इन रूफ ट्रस। जो रूफ ट्रस होते हैं, जो आपके जो ट्रसेज होते हैं आपके, इनमें भी जो स्टील का वर्क है वो किस में मेजर किया जाता है? क्विंटल में ही मेजर किया जाता है। तो ये पाँच छः आइटम जो है क्विंटल। नेक्स्ट, फैब्रिक रिइंफोर्समेंट एंड वायर नेटिंग। फैब्रिक रिइंफोर्समेंट क्या होता है? जैसे सरियों को जाली के रूप में ऐसे जाल सा बढ़ा लेते हैं, ऐसे आपका है ना, मतलब एक तरह से आपका इस तरह से जाल एक तरह से अपन बढ़ा ले, तो एक तरह फैब्रिक रिइंफोर्समेंट मतलब जाल या वायर नेटिंग। या अपन देखा जो वायर नेटिंग होते हैं, जो आजकल जैसे जिसको अपन मच्छर गेट भी बोलते हैं, जैसे कि यार आप एक तो मेन गेट हो जाता है, जालियाँ नहीं होती क्या आपकी, जो आप देखते हो डोरों में लगाते हैं, दरवाजों में भी लगाते हैं, तो आपसे कहता है फैब्रिक रिइंफोर्समेंट या वायर नेटिंग। वायर नेटिंग जो आपके तारों से बढ़ के नेट बनता है, जो है वायर नेट होता है जो, ये कह रहा है इसका जो मेजरमेंट है वो आपका होता है मीटर स्क्वायर। शायद तुम्हारे पास बुक होगी, हो सकता है उसमें गलत दे रखा हो, तो वहां सही कर लीजिएगा। इसका जो मेजरमेंट है फैब्रिक रिइंफोर्समेंट या वायर नेटिंग का जो मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में होता है। अगर मेरे को ऐसे ध्यान है कि आपके शायद के जो है कुछ मिसप्रिंट था, तो उसको मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा अगर गलत है तो। नेक्स्ट, आयरन गेट्स। आयरन गेट्स होते हैं जो, वो किस में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट होता है। आयरन गेट्स का मेजरमेंट किस में होता है? मीटर स्क्वायर। रोलिंग शटर, जो रोलिंग शटर है दुकानों के आगे जो शटर होती है, उनका मेजरमेंट किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। स्टील डोर एंड विंडो, आयरन ग्रिल, कोलेप्सिबल डोर, मतलब जितने भी टाइप के डोर हैं लगभग सबका जो मेजरमेंट है वो किस में होता है? मीटर स्क्वायर में आपका होता है। आयरन रेलिंग, रेलिंग्स होते हैं ना, आपने देखा होगा अगर आपके छज्जों के ऊपर या जीनों में से जो रेलिंग्स लगी होती है, तो रेलिंग किस में लगती है? रनिंग मीटर। देखो जरूरी रनिंग मीटर लिखे, शॉर्ट में मीटर भी लिख सकते हो, तो रनिंग मीटर बोलते हैं या केवल क्या बोलते हैं? मीटर। सी आई पाइप, सी आई क्या है? कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन पाइप। तो ये कह रहा है जो सी आई पाइप है, जो कास्ट आयरन पाइप है, इनका जो मेजरमेंट होता है ये रनिंग मीटर में होता है। सी आई पाइप का मेजरमेंट किस में होता है? रनिंग मीटर में नापे जाते हैं। नेक्स्ट, बारबेड वायर फेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। बारबेड वायर फेंसिंग जो होती है ना, आपका तार बंदी जिसको बोलते हैं, जैसे गांव में खेतों के साथ लोग खूब करते हैं तार बंदी। तारबंदी के लिए जो सरिया यूज किया, जो तार जो लगता है, आपने देखो तारबंदी तो खूब देखा हो, गाँव में भी करते लोग, पैसे वाले होते वो भी ऊपर बारबेट लगा के रखते, ताकि कोई जो है बाहर से कोई आ ना जाए, कोई कुत्ता बिल्ली है ना, कोई भी मतलब आपका जानवर। तो बारबेट क्या होता है? जो तारबंदी के लिए जो स्टील यूज में लाया जाता है उसका मेजरमेंट किस में करते हैं अपन? रनिंग मीटर में अपन करते हैं। मतलब एक तरह तारबंदी के लिए जो तार यूज किया जाता है वो आपका रनिंग मीटर में अपन करते हैं। तो ये सारे स्टील के वर्क हो गए, मैंने क्विंटल में भी नापा, मीटर स्क्वायर में भी नापा और रनिंग मीटर में भी नापा। सीधी सीधी बात देखो, रेलिंग, सी आई पाइप और बारबेट वायर फेंसिंग तार बंदी के लिए, ये तो रनिंग मीटर में है। ज़्यादातर आपके डोर, देखो ये डोर वाला काम है ना,
चाहे वो स्टील डोर विंडो है, कोलेप्सिबल डोर है, रोलिंग शटर है, आयरन गेट्स है, सब मीटर स्क्वायर पे। ये फैब्रिक रिइंफोर्समेंट जो जाली वाला काम है ये मीटर स्क्वायर, इसके अलावा जो भी बचा वो सब क्विंटल में। इस तरह से इसको मोटा मोटा ध्यान रख सकते हो कि यार गेट वाला काम, देखो मैं बता रहा हूँ, गेट वाला काम और जो जाली बनाई मैंने उसका काम मीटर स्क्वायर में, बाकी आयरन रेलिंग सी आई और बार में ये रनिंग मीटर, बाकी सब केस में था क्विंटल में आपका हो गया था। तो मैंने यहाँ स्टील के बारे में बात कर ली कि स्टील का जो मेजरमेंट है वो मैं किस तरह से करता हूँ, तो मैंने क्विंटल भी देखा, मीटर स्क्वायर भी देखा, रनिंग मीटर भी देखा। नेक्स्ट अब तीन बच गए आपके, उसके बाद यूनिट मेजरमेंट वाला ख़त्म हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। नेक्स्ट बात करता है स्टोन वर्क, स्टोन में देखो चार पार्टों में कर दिया इन्होंने, रैंडम रबल, कोर्स रबल, स्टोन मैसनरी वर्क, या ये सीधा बोले स्टोन मैसनरी वर्क। मतलब अगर मैं पत्थर की चिड़ाई की बात करता हूँ, ये कह रहा पत्थर की चिड़ाई, चाहे कोई सी भी चिड़ाई कर लो, वो कह रहा है हर हाल में पत्थर की चिड़ाई की बात करता हूँ तो मीटर क्यूब में ही होगी, क्योंकि पत्थर की चिड़ाई जो है 38 सेंटीमीटर से कम होती नहीं है, हर हाल में मीटर क्यूब होती है। चाहे रैंडम रबल करो, चाहे कोर्स रबल करो, चाहे एसलर करो, कोई सी भी चिड़ाई करो, हर हाल में मीटर क्यूब में ही आपकी होनी है। तो स्टोन मैसनरी तो किस में आ गया आपका, मीटर क्यूब में आपका यहाँ पर आ जाता है। तो मैंने देखा कि स्टोन मैसनरी का मेजरमेंट मीटर क्यूब में होगा। नेक्स्ट स्टोन यूज इन लिंटल एंड बीम, देखो पहले जो पत्थर थे उनको बीम के रूप में लगाते थे, आजकल तो बीम आरसीसी की आ गई, इससे पहले आपने देखा होगा लकड़ी की बीम भी देखी है, लकड़ी की भी आती थी, पत्थर की भी आती थी, लोहे की गाटरें भी आती थी, वक्त के अनुसार धीरे धीरे चीज़ें, तो अभी तो आरसीसी की बीम लगने लगी, इससे पहले लोहे की बीम देखी होगी, लोग पत्थर की भी बीम यूज करते थे, लोग लकड़ी की भी बीम यूज करते थे। तो ये कह रहा है स्टोन का यूज यदि किसी लिंटल में या किसी बीम के रूप में कर रहा हूँ तो हर हाल में मीटर क्यूब आएगा। तो एक तरह से चिड़ाई की बात करूँ या स्टोन को मैं लिंटल और बीम में यूज कर रहा हूँ तो दोनों में ही मेजरमेंट किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपका कि भैया चाहे चिड़ाई की बात कर लो, मैं कहीं चिड़ाई कर रहा हूँ या पत्थर मैंने बीम के रूप में या लिंटल के रूप में किया है यूज, तो मैं कह दूंगा कि इसका जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में आपका होता है। नेक्स्ट ये कहता है स्टोन यूज इन रूफ स्लैब, रूफ स्लैब मतलब जो पट्टी होते हैं छत में, छत में जो जिन आजकल तो क्या है आरसीसी का डर लगे, पहले देखा होगा पुराने घरों में तो खूब पट्टियों की छत है, तो रूफ स्लैब में मतलब पट्टी जो छत में, स्लीव्स क्या होती है, अलमारियाँ होती है, जो अलमारी होते हैं ना आपने देखा होगा अलमारियों में जो पट्टी लगी होती है आपका, है ना, जो स्लीव्स बोलते हैं उनको, तो स्लीव्स मतलब अलमारियों में किया गया हो जो पट्टी लगाते हैं अपन पत्थर की, या छज्जा, छज्जा कौन सा, स्टोन छज्जा, ये छज्जा कौन सा है, मतलब क्योंकि स्टोन बात कर रहा हूँ या स्टोन छज्जा, क्योंकि आरसी छज्जा अलग में नापेगा, तो स्टोन छज्जा या मतलब एक तरह से मैंने स्लैब के अंदर बात की, स्लीव्स के अंदर बात की, छज्जे के अंदर बात की, कहता है मीटर स्क्वायर में, किसमें मेजर होगा आपका, मीटर स्क्वायर में। मैंने यहाँ देख लिया मीटर स्क्वायर मेजरमेंट। नेक्स्ट कहता है स्टोन यूज इन वॉल फेसिंग, मतलब वॉल फेसिंग बाहर में एक तरह से अच्छी अपीरियंस के लिए कहीं पत्थर की जो है यूज कर रहा हूँ आपका, जैसे जोधपुर वगैरह में लोग करते हैं ना आपके पत्थर का एक तरह से बिल्कुल वॉल पे लगा देते हैं अच्छा अपीरियंस, तो ये कह रहा है कि वॉल फेसिंग वगैरह में अगर स्टोन लगाया है तो ये कहता है कि इसका जो मेजरमेंट है वो आपका किस में होता है, मीटर क्यूब में आपका होता है, वो मीटर स्क्वायर में आपका होता है। ये मैंने किन के बारे में बात कर ली, पत्थर के बारे में बात कर ली, अगर पत्थर चिड़ाई में यूज कर रहा हूँ, पत्थर को बीम या लिंटल के रूप में कर रहा हूँ तो मीटर क्यूब, उसके अलावा दोनों काम किसी ने मतलब कहीं छत के में किया, स्लीव में किया मीटर स्क्वायर, और वॉल फेसिंग कर रहा हूँ तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें वुड वर्क, टिम्बर का जो काम है वुड वर्क, वुड वर्क में पाँच तरह से मैंने इनको कर दिया आपका, वुडवर्क इन डोर और विंडो फ्रेम, ये कह रहा है कि जो वुडवर्क है लकड़ी का काम है डोर और विंडो फ्रेम, फ्रेम क्या होती है चौकट, फ्रेम क्या होती है भाई चौकट, फ्रेम तो आपको पता ही ना चौकट, ये कह रहा है कि लकड़ी का काम मैं चौकट में कर रहा हूं, एक तरह से लकड़ी से चौकट बना रहा हूं, या राफ्टर बना रहा हूँ, राफ्टर होते हैं आजकल तो लोहे के पहले राफ्टर, या रूफ ट्रस मतलब लकड़ी से मैं राफ्टर बना रहा हूँ, और सप्लाई ऑफ वुड,
ये भी इम्पॉर्टेंट है, सप्लाई मतलब मार्केट से मैं लकड़ी खरीद के ला रहा हूँ या उसका भी यूज मैं जो है चौकट में कर रहा हूँ, राफ्टर में कर रहा हूँ, बीम में कर रहा हूँ, रूफ ट्रस में कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल किस में आनी है, मीटर क्यूब में आपका निकल कर आ जाएगा। इसका जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में करते थे। ये सप्लाई ऑफ वुड और लकड़ी, भाई सप्लाई ऑफ मतलब टिम्बर मार्केट से खरीद रहा हूँ तो मीटर क्यूब में ही खरीदता हूँ, घन मीटर में खरीदता हूँ। देखो मीटर क्यूब का मतलब घन मीटर है आपका, ना मीटर क्यूब बोल लो, क्यूबिक मीटर बोल लो, मतलब देखिए। नेक्स्ट अपन देखा डोर एंड विंडो शटर। शटर क्या होते हैं? जो पल्ले होते हैं। शटर क्या होते हैं? पर चौकट तो वो होती है जो दीवार से फिक्स हो जाए, चौकट तो, और पल्ले जो खुलते बंद होते हैं ना। ये कह रहा कि जो है आप जो है विंडो जो आपका वुड का यूज डोर और विंडो मतलब पल्लों में कर रहे हैं, पल्ले बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये कह रहा मीटर स्क्वायर होगा भैया। टिम्बर बोर्डिंग, टिम्बर के बोर्ड होते हैं जो है ना, जिनको प्लाई बोर्ड वगैरह बोलते हैं, लेमिन बोर्ड वगैरह बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह, जो टिम्बर के बोर्ड हैं मीटर स्क्वायर में नापे जाएंगे। वुडवर्क इन पार्टीशियन वॉल, पार्टीशियन वॉल बनाने जैसे ऑफिसों में करते हैं ना अपन, पार्टीशियन वॉल मतलब वुड की पार्टीशियन वॉल लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एरियो में बांट देते हैं, तो पार्टीशियन वॉल्स में अगर वुड कर रहा हूँ मीटर स्क्वायर। सॉविंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर की चिराई मतलब टिम्बर की चिराई, तो ये भी मीटर स्क्वायर। तो अपन ने देखा कि टिम्बर में अगर देखता हूँ तो एक तरह से ये सारे तो मीटर के स्क्वायर है, बस इसमें सप्लाई ऑफ वुड टिम्बर खरीद रहे हैं, टिम्बर का यूज चौकट में कर रहे हैं। ये कई आइटम है, इसे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 आइटम है जो मैंने एक ही लाइन में लिख देखा है। तुम सोचोगे यार वो एक ही आइटम, टिम्बर खरीदूं, टिम्बर का यूज मैं बीम के रूप में करूं, टिम्बर का यूज मैं ट्रस के रूप में करूं, टिम्बर का यूज मैं चौकट बनाने के लिए करूं, टिम्बर का यूज मैं राफ्टर बनाने के लिए करूं, सब में क्या है मीटर क्यूब में मेजरमेंट होता था। ये मेरे थे शटर बनाने के लिए, डोर पैनल बनाने के लिए मीटर स्क्वायर, टिम्बर बोर्डिंग मीटर स्क्वायर, वुडवर्क इन पार्टीशन वॉल बनाने के लिए मीटर स्क्वायर, सॉविंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर की चिराई मीटर स्क्वायर आपका। तो अपन देखा कि ये मेरे वुडवर्क वाले आइटम्स आपके हो जाते। नेक्स्ट बात करता है कॉन्क्रीट वर्क की, भाई कॉन्क्रीट के कामों के बारे में मैं बातें करता हूँ। नीचे लिखता है एलसी, एलसी समझ रहे हो ना आप, एलसी क्या होता है भाई, एलसी आपको पता होना चाहिए, एलसी क्या होता है, लाइम कॉन्क्रीट। एलसी क्या होता है भाई, ये एलसी का मतलब क्या है, लाइम कॉन्क्रीट। ये कह रहा एलसी लाइम कॉन्क्रीट, पीसीसी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, वो कह रहा है फाउंडेशन के अंदर, कॉमा आरसीसी वर्क, वो कह रहा है सभी आरसीसी के काम, प्रीकास्ट आरसीसी, प्रीकास्ट आपको पता है ऐसी ऐसी जिसमें पहले से स्टेशन डेवलप, आरसीसी इन छज्जा, इसमें से लिखा है देखिए यहाँ भाई, ये बहुत पूछता है, इसको नोट कर ले, आरसीसी इन छज्जा। देखो आरसी स्टोन का आरसीसी तो नपता था मीटर स्क्वायर में, स्टोन का आरसीसी की तो जो स्टोन का छज्जा तो मीटर स्क्वायर में, और आरसीसी का छज्जा किस में नपता है, मीटर क्यूब में नपता है। इसलिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान देने की जरूरत है, कई बार कंफ्यूज, छज्जा आरसीसी का मीटर क्यूब में, स्टोन का छज्जा मीटर स्क्वायर में। तो यहां मैंने देख लिया कि ये जितना भी आरसीसी वर्क के काम है सब मीटर क्यूब में होंगे। नेक्स्ट लाइम कॉन्क्रीट इन रूफ टेरेस, जिस छत के ऊपर अपन लाइम कॉन्क्रीट करते हैं ना उसको वाटर प्रूफ वगैरह बनाने के लिए, ब्रिक कोवा वगैरह बनाने के लिए, तो लाइम कॉन्क्रीटिंग वगैरह करते हैं छत के ऊपर, टॉप ऑफ द रूफ्स, जब 15 मंजिल बना रहे तो 15वीं मंजिल पर जो काम करते हैं वो कहलाता है रूफ टेरेसिंग, है ना, रूफ, ये नपता है मीटर स्क्वायर में, लंबाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट कॉन्क्रीट वन की जाली और जाफरी, जाली और जाफरी क्या होती है, जैसे जीनो वगैरह हम देखा होगा ना, जे जो ऐसी जाली सी होती है जिनके अंदर अंदर लाइट चली जाए, या जैसे बिल्कुल रॉस पर, जैसे आपने देखा होगा ना बिल्कुल छज्जा बाहर निकाल दो छज्जे पे, या तो आप रेलिंग लगा देते हैं, या पुराने देखा होगा घरों में जाली सी लगाते थे, जालियाँ जो कॉन्क्रीट की जालियाँ होती है, कॉन्क्रीट की जाली तो खूब देखी होगी, खूब आपने देखा होगा रॉस के ऊपर लगा देते, रॉस का मतलब छज्जे के आगे लगा देते, आजकल रेलिंग लगा देते, पहले जालियाँ लगा देते, आज भी गाँव में लोग खूब जालियाँ लगाते, या जीने पर ताकि उसमें से अंदर लाइट आती रहे, तो जाली वगैरह जो है जाफरी वगैरह ये सब काम करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत, जाली और जाफरी वर्क मीटर स्क्वायर, कॉन्क्रीट वर्क जाली और जाफरी मीटर स्क्वायर। 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी, ये कह रहा है डीपीसी का जो काम है, जो डीपीसी वर्क है वो किस में नापा जाता है, मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। नेक्स्ट सीमेंट कॉन्क्रीट इन फ्लोर, मतलब सीसी फ्लोर, सीमेंट कॉन्क्रीट इन फ्लोर का मतलब क्या है, सीसी फ्लोर, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर, सीसी फ्लोर, सीसी फ्लोर का जो मेजरमेंट है
वो मीटर स्क्वायर में अपन करते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी यूनिट्स थी जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। अब आपको ये पढ़नी है। मैंने क्या कर लिया, इनको आपको वन बाई वन करके सभी को समझा दिया है। टेबल पे आपका बुक आपके हाथ में होगी, आप वहाँ से देख लें। अगर कोई डाटा वहाँ करेक्ट जो है रॉन्ग हो बाय द वे, तो उसको यहाँ से करेक्ट कर लीजिए। ये सभी डाटा मैंने यहाँ सही लिखे हैं। तो यहाँ मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में आपसे बातें कर चुका हूँ कि भाई कौन सा काम अपन किस में मेजर करते हैं। अब इससे आगे की बात जो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से आगे की बातें अपन करते हैं। जैसे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाला काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इसमें इस चैप्टर में अपन बात करते हैं डिडक्शन रूल्स इन प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क और पॉइंटिंग वर्क खूब क्वेश्चन यहां से पूछता है। प्लास्टर वर्क और पॉइंटिंग वर्क, देखो एस्टीमेट बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, एस्टीमेट बिल्कुल छोटा है और अच्छा है। आपका हर चीज़ सीखने की है, आपके बहुत कम लेक्चरों में ये हो जाएगा, 20 भी नहीं लगेंगे, 15 से 20 के बीच में आपके मात्र लेक्चर लग रहे हैं। इसमें बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे से आपको जो है इन चीज़ों से जो लाइफ में आपको बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। तो डिडक्शन रूल्स इन प्लास्टर वर्क और पॉइंटिंग वर्क, मतलब प्लास्टर कर रहे हैं या पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो डिडक्शन रूल्स आपके क्या होते हैं, मतलब किस तरह से मैं प्लास्टर के कामों में से डिडक्ट करता हूं। तो नंबर वन ये आपसे कहता है एंड ऑफ बीम कॉमा राफ्टर कॉमा पर्लिन, एंड ऑफ बीम कॉमा राफ्टर कॉमा क्या है पर्लिन, पर प्लास्टर वर्क में से कोई डिडक्शन, प्लास्टर वर्क में कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है। मतलब एक तरह से क्या कह रहा है, जैसे अपन ने देखा बीम है, बीम तो दीवार पे बेसिकली होता क्या है, जैसे अपन देखते हैं कि बीम के ऊपर छत डल प्लास्टर, तो पहले बीम दीवार पे जाके टकरा जाती है दीवार के ऊपर जाके। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये दो दीवार है, मान लो ये दीवार है ये दीवार है, अब ये कह रहा है कि बीम इसके ऊपर भी बीम तो इसके ऊपर रखी हुई थी। अब जब अपन देखते हैं कि बीम जब मैं प्लास्टर कर रहा होता, बीम तो यहाँ इस एरिया में थोड़े प्लास्टर होगा जहाँ बीम टकरा रही है दीवार पर, जहाँ जिस दीवार, मान लो ये मैं कह रहा हूँ कि ये दीवार है, मैं आपसे कहता कि ये मेरी दीवार है भाई, और मैं कह रहा हूँ यहाँ बीम लगी हुई है। तो अब मैं देखा जहाँ बीम है इस पोर्शन में प्लास्टर हुआ नहीं, अब हिसाब से कहना चाहिए कि ये कटेगा, लेकिन ये कहता कि नहीं, एंड ऑफ बीम जहाँ बीम जाकर टकराती है दीवार पर उस पोर्शन पे प्लास्टर नहीं होता, वैसे तो एंड ऑफ बीम कॉमा राफ्टर कॉमा पर्लिन पर प्लास्टर वर्क में कोई डिडक्शन नहीं किया जाता, मतलब अपना वहाँ काम नहीं हुआ फिर भी मैं उसका डिडक्शन नहीं करता हूँ। तो पहला मेरा हो गया कि एंड ऑफ बीम राफ्टर पर्लिन पर कोई डिडक्शन नहीं किया जाता, फर्स्ट मेरा ये रूल्स हो गया। सेकेंड, यदि प्लास्टर वर्क में कोई ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से, यदि कोई ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हो तो कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है, तो कोई डिडक्शन नहीं किया, मतलब एक तरह से कोई प्लास्टर वर्क है उसमें कोई डिडक्ट होने वाला एरिया, या ये कहो कि जो ओपनिंग के में जो डिडक्शन एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से क्या है
कम है तो ये कहता है कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है। सेकंड रूल्स आपका ये हो गया। थर्ड ये आपसे कहता है यदि प्लास्टर वर्क में कोई ओपनिंग मतलब जिस कोई दरवाजा है, अब दरवाजे पे देखेंगे उस ओपनिंग में प्लास्टर तो होने, कोई ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के मध्य हो तो वन साइड डिडक्शन किया जाता है। अब अपन देखा कोई एक ऐसा दरवाजा है जिसका एरिया 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर, अब देखा जाए तो अपन देखा तो भाई जब कोई ओपनिंग है तो प्लास्टर तो दोनों साइड से ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहता है कि दोनों तरफ का नहीं घटाता हूँ। मान लो कोई एक जो है 2x3 की कोई ओपनिंग होती, मान लो या मैं कहता हूँ कि 4x3 12 स्क्वायर फीट की कोई ओपनिंग है, अब ना तो इधर 12 स्क्वायर फीट प्लास्टर हुआ ना इधर से हुआ 24 स्क्वायर फीट नहीं हुआ। देखा जाए तो भाई कोई दीवार जो है, मान लो ये दीवार होती तो मान लो ये कोई एक ओपनिंग हो गई तो इस ओपनिंग ना इधर प्लास्टर हुआ ना इधर हुआ, तो एक तरह से मान लो ये 3x4 की होती तो 12x24 घटना चाहिए था, लेकिन ये कहता 24 नहीं केवल 12 ही घटाए, मतलब वन साइड ही अपन करते हैं। तो ये मेरा हो गया थर्ड रूल। फोर्थ नंबर ये आपसे कहता है यदि प्लास्टर वर्क में कोई ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से अधिक हो, 3 मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो बोथ साइड डिडक्शन किया जाता है, तो बोथ साइड डिडक्शन किया जाता है। तो ये कह रहा है कि बोथ साइड दोनों साइड अपन डिडक्शन करने वाले। तो ये मेरे चार रूल्स हो गए कि भैया एंड ऑफ बीम, एंड ऑफ पर्लिन, राफ्टर पर कोई डिडक्शन नहीं किया जाता, ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तब भी कोई डिडक्शन नहीं करते हैं, तो ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक है तो वन साइड डिडक्शन करते हैं, और यदि ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो जो डिडक्शन है वो मैं बोथ साइड करता हूँ। देखो इसको और अच्छे से मैं, क्योंकि एक आध चीज़ और मैं इसको जोड़ने वाला हूँ इसमें, अभी टेबल में एक आपकी बढ़ा रहा हूँ, उस टेबल में एक दो चीज़ें और इसके अंदर अपन ऐड करते हैं, तो वो क्या क्या अपन एक तरह से इसको टेबुलर फॉर्म में मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ आपको, तो टेबुलर फॉर्म में क्या समझेंगे देखो। पहला नंबर ये कहता है, नंबर वन एंड ऑफ बीम, वो कह रहा है बीम के एंड पर भाई एंड ऑफ बीम कॉमा पर्लिन, वो कह रहा है पर्लिन कॉमा राफ्टर्स, वो कह रहा है कि बीम के एंड पर, पर्लिन के एंड पर, राफ्टर के एंड पर ये कहता है नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं किया जाता। सेकेंड ये आपसे कहता है इफ डिडक्शन एरिया, मतलब जो ओपनिंग है कोई जो इफ डिडक्शन एरिया इज लेस देन
इफ डिडक्शन एरिया इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करने की जरूरत है, इसको इसलिए यहाँ यही लिया था। ये कह रहा है कि यदि नो डिडक्शन, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, तो अपन ने देख लिया था यहाँ नो डिडक्शन हो गया था इसमें। ये कह रहा इफ डिडक्शन एरिया इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है डिडक्शन एरिया कहता है 0.5 मीटर स्क्वायर से, मतलब वो ओपनिंग जो है डिडक्शन एरिया का, मतलब यहाँ आपसे क्या बोलना चाह रहा है, डिडक्शन एरिया का मतलब वो क्या है आपकी, जो ओपनिंग है जो जहाँ प्लास्टर नहीं हुआ, ये कह रहा है 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है। तो आंसर अगेन आपका नो डिडक्शन आएगा भाई, कोई डिडक्शन नहीं होता था, नो डिडक्शन। ये अगर कोई और साथ के साथ ये कहना है एंड नो डिडक्शन और नोटिस, नीचे नोट डाल के मैं लिखूंगा नॉट एडिशनल पे टू सेल, सेल अभी बताता हूँ, लिंटल सेल सॉफिट एंड जैम्स। ये इम्पॉर्टेंट है, देखो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये कहता है ठीक है एक ओपनिंग, देखो ये मैं कह रहा कि एक ओपनिंग है, कोई भी देखिए मान लो मैं एक कोई भी ओपनिंग, अब ये ओपनिंग है, देखो ये ओपनिंग है, तो ये इसका जो नीचे वाला रहता है ये तो कहलाता है सिल, ऊपर वाला ये, क्योंकि जैसे आप कोई भी लिंटल देखना, लिंटल का बॉटम कहलाता है सॉफिट, और ये साइड वाली जो दीवारें हैं ये कहलाती हैं जैम्स। जैसे आप दरवाजा कभी देखो, दरवाजे से निकल के देखो, आप दरवाजे का खुद का दिमाग बुला लो, जैसे कोई एक दरवाजा है तो जो उसका जो दरवाजा जहाँ आपका ओपनिंग ख़त्म होती है उसका नीचे वाला पोर्शन देखो, दरवाजा आइए मान लो ये दरवाजा ऐसे आपका ओपनिंग है, ऐसे आपका है ना ये दरवाजा है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन देखो ये तो कहलाता है सॉफिट। अब जैसे अलमारी होती है आपका, वो होती विंडो होती तो नीचे भी होता तो ये सील हो, और ये साइड आपकी, तो अपन देखा कि जब ओपनिंग में अपन यहाँ खुला है तो ये चारों साइड तो आपकी रह रही है, तो ये तो सॉफिट हो गया, इसका बॉटम यहाँ सील हो गया, ये जैम, तो प्लास्टर तो यहाँ भी हुआ था भाई, इनकी धार नहीं बनी होगी कि साइड में प्लास्टर तो करना पड़ा होगा ना, दोनों जो वर्टिकल साइड उधर प्लास्टर हुआ होगा उस ओपनिंग के, कोई भी ओपनिंग देखना आपका, कोई भी जैसे रोशनदान देखना आप, रोशनदान तो बॉटम नीचे जो ओपनिंग है उसके नीचे प्लास्टर हुआ होगा, जो है यहाँ भी होगा सर। तो ये कह रहा है कि ठीक है आपने एरिया अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो आपने कह दिया नॉट डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं होता, लेकिन साथ के साथ आपको ने ये भी किया नॉट एडिशनल पे टू सील सॉफिट और जैम। वो कह रहा है भैया यहाँ इसके नीचे प्लास्टर किया है, यहाँ किया है, आप कोई भी ओपनिंग देख लेना, और इसके जो साइडों में किया एक तरह से जो धार बनाने के लिए आपका प्लास्टर किया उसका भी कोई एडिशनल पेमेंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ओपनिंग का ही नहीं काटा तो मैं उसको एक्स्ट्रा क्यों दूँ, जब मेरी ओपनिंग उसका नहीं काटा तो ठीक है भाई तुमने ओपनिंग का मैंने काटा नहीं, तुमने थोड़ा सा जैम सिल में काम एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये मेरा हो जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका है, ये कहता है इफ डिडक्शन एरिया इज बिटवीन 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर इज लाइज। ये कह रहा है डिडक्शन एरिया 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर तक है, कितना है आपका डिडक्शन एरिया 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर है, मतलब इसके बीच में है। तो ये कहता है कि वन साइड डिडक्शन क्या करेंगे, वन साइड डिडक्शन, ये कह रहा भैया डिडक्शन जो होगा ना वो एक साइड, वन साइड डिडक्शन, वो कह रहा वन साइड डिडक्शन करेंगे, लेकिन आपको नीचे वही नोट डाल के बोलता है। अब आपने देखा प्लास्टर तो दोनों तरफ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आपने एक साइड ही किया है डिडक्शन, तो फिर अगेन ये कहता है नॉट
एडिशनल पे टू सेल कॉमा सॉफिट एंड जेम्स एरिया। देखो ये कह रहा है कि इस कंडीशन में भी मैं जैम्स का सॉफिट का जो प्लास्टर हुआ है उनका अलग से मेजरमेंट नहीं करूं, क्योंकि एक तरह से प्लास्टर तो ओपनिंग का दोनों साइड से नहीं हुआ, मैं तो एक साइड ही घटा रहा हूं, तो वन साइड घटा रहा है, तो यहां भी ये जो सिल वगैरह में प्लास्टर हुआ उसका अलग से पेमेंट नहीं देता है। थर्ड ये आपसे कहता है, जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इफ डिडक्शन एरिया एरिया मोर देन 3 meter square, ये कह रहा है बे जो डिडक्शन एरिया है ना वो 3 meter square से बड़ा है, 3 meter square से ज़्यादा है। तो अपन देखा डिडक्शन क्या कर रहे थे, बोथ साइड डिडक्शन, ये कह रहा है दोनों साइड से डिडक्शन कर दोगे आप, बोथ साइड डिडक्शन अपन करने वाले हैं। तो नीचे नॉट डाल के भी मैं साथ के साथ लिख दूंगा। अब जब मैंने दोनों ही साइड से डिडक्शन कर दिया तो फिर कहेगा एडिशनल एडिशनल पे टू सेल कॉमा सॉफिट एंड जेम्स वर्क जेम्स एरिया। ये कह रहा भाई ठीक है आपका ओपनिंग एरिया 3 meter square ज़्यादा था, आपने दोनों साइड में डिडक्शन कर दिया, दोनों साइड में आपने घटा, तो भी ठीक है आपने इधर दोनों साइड प्लास्टर नहीं हुआ, आपने दोनों साइड घटा, तो मुझे जो है आपका सिल सॉफिट उनका पेमेंट एक्स्ट्रा दो। तो ये कहता है कि अगर बोथ साइड डिडक्शन करेंगे तो सिल सॉफिट और जॉम पे जो प्लास्टर हुआ है उसका ये अलग से मेजरमेंट करेगा या उसका अलग से पेमेंट देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारा डिडक्शन रूल फॉर प्लास्टर वर्क में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो किस तरह से अपन यहाँ इसको कर रहे थे ये मैंने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट कहता है डिडक्शन रूल्स इन मैसिनरी वर्क, ये कहता है मैसिनरी वर्क में अपन डिडक्शन रूल्स कैसे देखते थे या मैसिनरी में क्या डिडक्शन रूल्स आपके होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपसे पढ़ लेता हूँ या उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बात हो गई कि डिडक्शन रूल्स इन मैसिनरी वर्क्स, तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग हो गई डिडक्शन रूल्स इन मैसिनरी वर्क, डिडक्शन रूल्स इन मैसिनरी वर्क, डिडक्शन रूल इन मैसिनरी वर्क। ये कह रहा है चिनाई कार्यों में बताओ क्या होगा। देखो मैं अभी आपको यहाँ चिनाई एक टेबल बनवा देता हूँ, सीधा ही मैं आपको टेबल बनवा देता हूँ। देखिए ये कह रहा है चिनाई वगैरह में, ये कहता है इफ ओपनिंग, इफ पहला नंबर ये आपसे कहता है इफ ओपनिंग एरिया, इफ ओपनिंग एरिया लेस देन 1000 centimeter square, 1000 centimeter square, या अब इस 1000 को क्या बोल सकता हूँ, देखो 1000 centimeter, अब सेंटीमीटर को ये मुझे पता ही है कि 1 meter में 100 centimeter होते हैं, तो 1 centimeter बराबर क्या होता है मीटर बटे 100, एक तरह सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 का भाग दे दीजिए, तो एक तरह से मीटर बटे 100 का स्क्वायर की दिए, देखो कितना हो जाएगा 10^4.1 meter square। तो 1000 centimeter square बोलो या
0.1 मीटर स्क्वायर बोलो या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, 0.1 मीटर स्क्वायर बोलो, या मैं देखूं एक जो आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये लगभग एक फुट भी होता है, एक फुट स्क्वायर होता है। देखो क्योंकि आपको ये पता है ना 30.48 सेंटीमीटर बराबर एक फिट होता है 30 पॉइंट। तो अपन देखें कि 30 × 30 लगभग 900 हो गया ना आपका। तो एक तरह से अगर मैं इसका स्क्वायर करूं एक तरह से तो ये एक फिट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब तो लगभग ये 900 कुछ हो जाता है। तो लगभग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को, क्योंकि इसका देखो कुछ करो 900 कुछ हो जाएगा, तो एक तरह से 900 समथिंग एक फिट स्क्वायर होता है। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं 1 फिट स्क्वायर भी लिख सकता हूं, एक फिट स्क्वायर, या आप एक फिट में कितना होता है ये आपको पता ही। देखो एक फिट में 12 इंच होते हैं, एक फिट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 इंच का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 स्क्वायर इंच, बहुत 144 स्क्वायर इंच, 144 स्क्वायर इंच। ये चारों डाटा बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपको। देखो ये कह रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले, 0.1 मीटर स्क्वायर बोले, एक फिट स्क्वायर बोले, या 144 स्क्वायर इंच बोले। वो कह रहा है ओपनिंग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 0.1 मीटर स्क्वायर है या आपका एक फिट स्क्वायर है, या वो कह 144 स्क्वायर इंच है। ये कहता है डिडक्शन नो, ये कहता है नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, नो डिडक्शन। ये कह रहा है कि ओपनिंग अगर इससे छोटी है इतने से तो कोई डिडक्शन नहीं करते। बहुत आपका खूब क्वेश्चन पूछते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ सब्जेक्ट बहुत छोटा है, लेक्चर बहुत कम होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। सेकेंड ये आपसे कहता है एंड ऑफ बीम कॉमा राफ्टर एंड परलिन क्रॉस सेक्शन एरिया आर लेस देन 500 सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.05 मीटर स्क्वायर या 0.5 फीट स्क्वायर या 72 स्क्वायर इंच। देखिए बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बिल्कुल ये डाटा 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर, 172 स्क्वायर। ये कह रहा है कि एंड ऑफ बीम, ये कह रहा है बीम का एंड, राफ्टर या परलिन का क्रॉस सेक्शन एरिया एक तरह से ना, मतलब जहां वो जाकर आर लेस देन, अगर इतने से कम है मतलब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है उसका एंड, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ऑफ द बीम या क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एंड ऑफ बीम राफ्टर एंड परलिन, आगे भी बोल सकते थे। ये कह रहा इतने से कम है तो ये कहता नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो अपन देखा कोई डिडक्शन नहीं होगा। थर्ड नंबर अपन बात करते हैं, बेड प्लेट, फॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ छज्जा, बेड प्लेट वॉल प्लेट बियरिंग ऑफ छज्जा इफ थिकनेस बियरिंग ऑफ छज्जा बेड वॉल जो है बेड प्लेट वॉल प्लेट बियरिंग ऑफ छज्जा
बेयरिंग ऑफ छज्जा, इफ थिकनेस आर लेस देन 4 inch या 10 centimeter, ये करा कोई बेड प्लेट है, वॉल प्लेट है, बेयरिंग ऑफ छज्जा है जिसकी थिकनेस 4 inch है, 10 centimeter तक है, तो ये कहता है नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो डिडक्शन कुछ नहीं है, एक दूसरे में चेंज किया, 1000 centimeter स्क्वायर 0.1 meter स्क्वायर बोल सकते हैं, 0.1 इनको इनको 1 feet स्क्वायर बोल सकते हैं, 144 square बोल सकते हैं, ये कह रहा है चारों का मतलब एक है भाई, कोई डिडक्शन नहीं कर, यहाँ 5 centimeter स्क्वायर ये बोल सकते हैं बस आपको, तो नो डिडक्शन, तो अपन देखा बैड प्ले तो कोई डिडक्शन नहीं करते। तो इस तरह से मैंने कुछ डिडक्शन रूल्स के बारे में अब जो है आगे यहाँ आपसे बातें कर ली थी। तो इस चैप्टर में या इस जो है लेक्चर में अपन ने यूनिट मेजरमेंट्स के बारे में था, इस लेक्चर में अपन ने डिडक्शन रूल्स के बारे में पढ़ लिया, इससे आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।